नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं, रीजनिंग का ये चैप्टर है और दोस्तों हर एक एग्ज़ाम में ये आता है। हमने जो क्वेश्चन लिया है ये रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। हर एक एग्ज़ाम में दोस्तों ये पूछा जाता है, चाहे पुलिस का दे रहे हो आप, एमटीएस, जीडी कुछ भी दे रहे हो, उसमें आता ही है। तो चलिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, पुनी अवनी की बेटी है और अमित अवनी के भाई का पुत्र है, अमित के पिता का पुनी से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें अगर फिगर आप अच्छे से बनाएंगे तो है आप आंसर दे पाएंगे। तो सबसे पहले पुनी अवनी की बेटी है, तो हम अवनी को बना लेते हैं। ये अवनी है, इसकी बेटी जो है कौन है, पुनी है। पुनी यहाँ पर इसकी बेटी है, तो हम यहाँ पर बेटी लिख दे रहे हैं। आप चाहें तो सिर्फ जो है माइनस से डिनोट कर सकते हैं। और अमित, अमित जो है अवनी के भाई का पुत्र है, तो अवनी का कोई यहाँ पर भाई है, इसका जो है बारे में बताया नहीं गया है, भाई है ठीक है। इसका जो है पुत्र है या भी बेटा है, कौन है, अमित। बेटा या पुत्र कुछ भी आप लिख लीजिए ठीक है। अब देखिए बोला क्या गया है, अमित के पिता। अब ये जो अमित है ठीक है, इसके पिता मतलब ये जो भाई था ठीक है, यही तो पिता है, इसी का तो बेटा है। तो क्या हो रहा है, अमित के पिता का पुनी से क्या संबंध है, मतलब ये जो है ये पुनी का क्या लगेगा, अमित के पिता यानी जो अवनी का भाई है वो पुनी का क्या लगेगा। तो देखिए अवनी का जो भाई है उसका क्या संबंध है पुनी से, तो पुनी जो थी वो कौन थी, तो पुनी जो थी वो अवनी की बेटी थी, यानी कि अवनी का जब भाई हो गया, यानी कि जो ये मामा हो जाएगा, किसका मामा हो जाएगा, किसका, पुनी का ठीक है, क्योंकि ये अवनी की बेटी है पुनी ठीक है। और अवनी का भाई जो है वो अमित का पिता है, तो वही पूछा जा रहा है, अमित के पिता यानी ये जो भाई अवनी का वो पुनी का क्या लगेगा, तो अवनी की बेटी है पुनी यानी कि मामा लगेगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मामा ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रिया अखिल की बहन है, सुप्रिया जो है अखिल की बहन है, अखिल के पिता की माँ सुप्रिया से कैसे संबंधित है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, बोला क्या जा रहा है, पहले जो चीज़ें दी गई हैं उसको डायरेक्ट आप लिखते चलिए ठीक है। सुप्रिया जो है अखिल की बहन है, तो सुप्रिया जो है ये क्या है, सुप्री सिप कर दे रहा हूँ ठीक है, सुप्रिया जो है वो बहन है, किसकी है, अखिल की ठीक है। अब देखिए अखिल के पिता, यानी अगर सुप्रिया बहन है तो अखिल के जो पिता होंगे ठीक है, वो सुप्रिया के भी पिता होंगे ठीक है, कि माँ, यानी कि जब उनके पिता की माँ होंगी, यानी कि ये सुप्रिया की दादी होंगी और अखिल की भी दादी होंगी, तो माँ सुप्रिया से कैसे संबंधित है, यही तो पूछा जा रहा है। तो माँ क्या लगेंगी, तो देखिए ये अखिल के पिता हैं तो सुप्रिया के भी पिता हो जाएंगे, क्योंकि ये बहन है अखिल की, और इनकी माँ यानी कि अखिल की दादी और सुप्रिया की भी दादी, तो दादी लगेंगी, ए राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रेलवे में पूछे गए थे। कुछ और क्वेश्चंस देखिए यहाँ पर, सुमन महेश और कुमेश को का अपने बेटे के चाचा के बेटों के रूप में परिचय करवाती है, लड़के सुमन के खाली स्थान हैं, सुमन से मतलब सुमन के क्या लगेंगे, ये कहा जा रहा है ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सुमन है तो यहाँ पर एक फिगर टाइप बना लीजिए, सुमन है ठीक है, सुमन महेश और कुमेश का, यानी महेश कोई है और यहाँ पर कुमेश कोई है ठीक है, का अपने बेटे के चाचा यानी सुमन का जो बेटा है ठीक है, इनके चाचा यानी बेटे के चाचा के बेटों के रूप में जो है परिचय करवाते, यानी ये जो महेश और कुमेश थे इसके बेटे के चाचा यानी सुमन के क्या है, देवर के लड़के हैं, देवर के लड़के हैं, तो लड़के सुमन के क्या लगेंगे, भतीजे लगेंगे, क्या लगेंगे, भतीजे लगेंगे, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है।
आंटी लगेंगी, बड़ी मम्मी कह सकते हैं, आंटी कह सकती हैं, ये लगेंगी। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है लड़के सुमन से किस प्रकार संबंधित, लड़के जो है भतीजे लगेंगे, तो ये महेश और कुमेश जो है भतीजे लगेंगे सुमन के, क्योंकि बेटे के चाचा ना, यानी इनके देवर के लड़के हैं ये, ठीक है, भतीजे लगेंगे, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे थे। नेक्स्ट देखिए, सरस्वती और गौरी बहने हैं, ठीक है, गौरी का भाई सरस्वती के पिता से किस रूप में संबंधित है, यानी क्या लगेगा। देखिए सरस्वती जो है और गौरी, ये क्या है, बहने हैं। अब आगे बढ़िए, गौरी का भाई, तो गौरी का जब भाई रहेगा वो अंडरस्टूड है कि सरस्वती का भी भाई ही रहेगा, ठीक है, के पिता यानी भाई के पिता यानी इन लोगों के भी पिता, ठीक है, फिर के पिता यानी इन लोगों के दादाजी, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि पिता किस रूप में संबंधित हैं, तो ये पूछा जा रहा है कि जो है सरस्वती और गौरी बहने हैं, गौरी का भाई, गौरी का जो भाई है सरस्वती के पिता, तो गौरी का जो भाई है सरस्वती के पिता से किस रूप से संबंधित है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, ये पोता हो जाएगा, ठीक है, सरस्वती के भाई का रिलेशन पूछा जा रहा है, तो भाई जो है इनका क्या लगेगा, मतलब सरस्वती के पिता का क्या लगेगा, तो सरस्वती के पिता यानी गौरी के पिता और उनका भाई है तो उनके भी पिता का पिता, यानी कि यहाँ पर जो है ये हो जाएंगे दादाजी, कौन हो जाएगा, ये पिता का पिता, लेकिन पूछा गया भाई क्या लगेगा, तो ये जो है पोता लग जाएगा, पोता, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है इससे आपको उत्तर देना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिमल मीका का पुत्र है और नीना मिलन की पुत्री है, मिलन मीका की बहन है, विमल का मिलन कौन है। अब यहाँ पर समझिएगा, विमल के लिए हम वी और एम कर दे रहे हैं, ठीक है, तो विमल जो है, वी और एम जो है ये पुत्र है, मीका का पुत्र है, यानी ये जो है क्या है, पुत्र है किसका, पुत्र है विमल किसका, मीका का, तो एम के कर दे रहे हैं, ठीक है, मीका के लिए का पुत्र है, और नीना मिलन की पुत्री है, तो ये नीना के लिए एन एन कर दे रहे हैं, नीना जो है ये पुत्री है, पुत्र नहीं पुत्री है, किसका, किसकी है, मिलन की, तो मिलन के लिए एम एल कर दे रहे हैं, ठीक है, कि पुत्री है। अब यहां पर बात सुनिएगा ध्यान से, मिलन मीका की बहन है, तो ये जो है और ये, यानी एम एल जो है ये बहन है, बहन है, ठीक है, किसकी, मीका की बहन है ये, ठीक है। तो पूछा ये जा रहा है बिमल की मिलन कौन है, तो बिमल यहां पर आ जाइए, विमल की मिलन कौन है, ध्यान दीजिएगा, ये जो थी मिलन, ये बिमल की कौन है ये पूछा जा रहा है आपसे, तो ये मीका की बहन थी और मीका का ही पुत्र कौन है, विमल है, तो मिलन कौन हो जाएगी, बुआ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बुआ हो जाएगी, तो यहां पर राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, बुआ, क्योंकि मीका की बहन है मिलन, ठीक है, और इसी मीका का पुत्र जो है विमल है, तो विमल की मिलन कौन है, तो मिलन जो हो जाएगी वो बहन है मीका की, यानी कि इसकी बुआ हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वंदना विशाल और वनिता की बेटी है, ठीक है, अमित वनिता के भाई का बेटा है, अमित के लिए वंदना कौन है, वंदना क्या लगेगी अमित के लिए, ध्यान दीजिएगा, वंदना विशाल और वनिता की बेटी है, तो विशाल के जो है इसके लिए वी एस एच कर दे रहे हैं हम, ठीक है, विशाल और वनिता, वनिता के लिए वी एन टी कर दे रहे हैं, ठीक है, इन दोनों की बेटी है कौन, वंदना है, इन दोनों की बेटी जो है वंदना है, ठीक है, इन दोनों की बेटी है, अमित वनिता
के भाई का बेटा है, यानी ये वनिता के भाई, इसका कोई भाई है, इसका बेटा है, बेटा है कौन? अमित है, अमित, ठीक है। तो पूछा ये जा रहा है कि जो अमित है ये वंदना के लिए कौन है। अब ध्यान दीजिएगा, तो हम इसमें से विशाल जी को हटा दे रहे हैं, यहां पर हम वनिता को ले लेते हैं, वनिता की बेटी वंदना होगी, विशाल और वनिता दोनों की बेटी है, तो बेटी ये है वंदना, ठीक है। और इसी के भाई, यानी कि ये हो जाएगा वंदना के लिए मामा का बेटा, जो है वो कौन है? अमित है। तो पूछा जा रहा है अमित जो वंदना के लिए क्या है, तो ये जो है, सॉरी, जो है ये हो जाएगा मेरा भाई, और ये हो जाएगी बुआ की या फिर फुफेरी बहन हो जाएगी, ठीक है, कौन? वंदना हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इधर से चलेंगे, अमित के लिए वंदना पूछा गया, तो अमित जो है इसके पिताजी ये हो जाएंगे, और पिताजी की बहन आपकी वनिता हो जाएगी, ठीक है, और उसकी मैंने फुफेरी बहन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन थे आपके ब्लड रिलेशंस के, जो कि आपके अलग अलग एग्जाम में पूछे गए थे, रेलवे में पूछे गए थे। आशा करते हैं हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।